Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the topic related to the macroeconomics, that is called the circular flow of income and expenditure. That means कि आज हम देखेंगे कि जैसे कोई economy है उसके अंदर जो different sectors है, जैसे household sector है, firms का sector है या government sector है, उनके बीच में income का flow कैसे होता है और spending का flow कैसे होता है. We will see the connections between the different sectors of the economy. So let's start today's video. And you know, before that, do share, like, and subscribe Economic Darpan channel to learn, prepare, and grow. First of all, let's see the introduction of the circular flow of income. So the circular flow of income is a model of an economy showing connection between the different sectors of the economy. एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करता है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर उनके बीच में कनेक्शन शो करता है. दूसरा क्या है, इट शोज द फ्लोज ऑफ इनकम गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज फर्म्स हाउसहोल्ड्स गवर्नमेंट एंड नेशंस. ये इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच में फ्लो ऑफ इनकम को शो करता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कितनी टाइप्स होती हैं. सो देयर आर थ्री मेजर मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, इन यू कैन से पूरी दुनिया में सिर्फ तीन मॉडल्स हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की. फर्स्ट इज टू सेक्टर मॉडल, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी इकोनॉमी की, जिसमें कि सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउसहोल्ड सेक्टर होता है और दूसरा फर्म्स का सेक्टर होता है. सेकंड टाइप है थ्री सेक्टर मॉडल की, जिसमें की है कि एक हाउसहोल्ड सेक्टर, एक फर्म सेक्टर के साथ साथ कौन आ जाता है, इसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है. गवर्नमेंट सेक्टर इसमें जब जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, थ्री सेक्टर मॉडल. लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है because these are not make trade with the rest of the world. Third model हमारे पास है four sector models. ये open economy को represent करता है, जिसमें एक household sector, firm sector, government sector के साथ साथ क्या होता है, rest of the world होता है. मतलब कि हम दूसरी countries के साथ भी trade करते हैं, जिसको हम external sector भी बोल देते हैं. So these are the three major models of the circular flow of income. We will discuss these three models of the circular flow of income in the upcoming slides in detail. So let's move to the first model, that is called the circular flow of income in a two sector economy. Two sector economy mein kitne sectors the, ek household sector tha aur ek firms ka sector. हाउसहोल्ड सेक्टर क्या है कि द हाउसहोल्ड सेक्टर इज द सोल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट में या फिर इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उसको कौन खरीदेगा, उसको हाउसहोल्ड सेक्टर खरीदेगा. और जो द सोल सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनानी है उनको बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, दैट मींस कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो कौन सप्लाई करेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा. ऑब्वियसली द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा. दैट मींस सिंपल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो एक बायर भी है और एक सेलर भी है. बायर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि फर्म सेक्टर ने बना रखे हैं, और सेलर है वो सर्विसेज का जो कि वो अपनी सेल करता है टू द फर्म सेक्टर. जो फर्म सेक्टर को वो अपनी सर्विसेज सेल करता है और उसके बदले में उसको जो इनकम मिलती है और वो फिर जाके उस इनकम से परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को. ओके, नेक्स्ट हमारे पास था फर्म का सेक्टर. फर्म सेक्टर को रेवेन्यू या फिर इनकम कैसे जनरेट होगी, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा.
अब वो सेल किसको करेगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करेगा। ओके, चीजें कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे। ओके, इट हायर्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। और वो जो फर्म है वो चीजें तभी खरीदेगा जब वो पहले बनाएगा। तो वो कैसे बनाएगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर से उनकी सर्विसेज लेगा। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर से वो पहले सर्विसेज लेगा, उसके बदले में वो उनको इनकम देगा। और जब इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगी तो वो क्या करेंगे? उससे वो चीजें परचेज करेंगे फर्म सेक्टर से। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सो सी इन दिस पिक्चर, देयर आर द टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ओके, अब हाउस होल्ड सेक्टर में कौन रहता है? लोग रहते हैं। लोगों की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको कुछ कमोडिटीज की, कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और वो प्रोडक्ट्स उनको कहाँ से मिलेंगे? वो फर्म से मिलेंगे। ओके, तो जब लोगों की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए? मनी चाहिए। उनको मनी कैसे मिलेगी? जब वो काम करेंगे। तो वो काम कहाँ पे जाके करेंगे? फर्म्स में जाके करेंगे। तो ये क्या हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर से क्या हो गया? सी द ब्लैक एरो लाइन। तो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या हो गया? फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन चले गए फर्म्स के पास। कि हाउस होल्ड सेक्टर से जैसे लेबर चले गए और उन्होंने फर्म्स में जाके काम किया, फर्म्स में उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस की और उसके बदले में उनको क्या मिला? इनकम मिली। ठीक है, तो फर्म्स ने उसके बदले में उनको क्या दे दिए? वेजेस दे दिए। या फिर किसी के पास एक जमीन थी, लैंड थी, और उसने उसको रेंट पे दे दिया, तो उसके बदले में फर्म्स ने उनको रेंट दे दिया। या फिर किसी के पास पैसे थे ज्यादा और उसने उनको लोन प्रोवाइड कर दिया फर्म को, जिसके बदले में उन्होंने उसको इंटरेस्ट पे कर दिया। तो आई होप द बॉटम सर्कुलर फ्लो इज इनकम इज क्लियर टू यू, कि हाउस होल्ड सेक्टर की कुछ जरूरतें थी जिसके बदले में उनको काम करना पड़ा, और उन्होंने काम कहाँ पे जाके किया? फर्म्स में जाके किया, और फर्म्स ने उनके बदले में उनको इनकम प्रोवाइड कर दी। अब इनकम तो उनके पास पैसा तो आ गया, इनकम तो आ गई, लेकिन अब उनको क्या चाहिए? गुड्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। तो वो क्या करेंगे? अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा। कंज्यूमर कहाँ पे जाके खर्च कर देगा? फर्म्स के पास जाके। ओके, फर्म्स के पास जाके वो उनको पैसे देगा और उसके बदले में प्रोडक्ट्स लेगा। तो ये क्या हो गया कि फर्म सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम थी, उस इनकम से उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। जरूरतें पूरे करने के लिए उनको पैसे खर्च करने थे, और पैसे कहाँ पे जाके खर्च करेंगे? वो फर्म्स में जाके खर्च करेंगे, उनसे चीजें खरीदेंगे जाके। और उनसे जब चीजें खरीदेंगे, दैट मीन्स कि फर्म ने उनको क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले में दे दिया। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर। ओके, ये जो आउटर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ये होता है रियल फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज इंटेंजिबल इन नेचर। लेकिन ये जो रेड एरो लाइन है, जो रेड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये है मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। ओके, मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम क्या? कि मनी की टर्म्स में, पहले फर्म्स ने उनको मनी की टर्म में उनको वेजेस दिए, सैलरी दी, और उन्होंने फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया कि उसको मनी की टर्म में स्पेंड कर दिया फर्म्स के पास जाके। आई होप द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज क्लियर टू यू। तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या हो जाती है टू सेक्टर इकोनॉमी की? कि जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को देखना है। तो नेशनल इनकम क्या बन गई टू सेक्टर मॉडल में? एक कंजम्पशन हो गई और एक इन्वेस्टमेंट हो गई। हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर रही है और इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रही है फर्म सेक्टर को। सो व्हाई इज द इनकम, दैट इज द नेशनल इनकम,
सी इज इक्वल टू द कंजम्पशन एंड आई इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द थ्री सेक्टर इकोनॉमी. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या है कि एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक फर्म सेक्टर होगा, बट इन एडिशन टू दिस एक और सेक्टर आ जाएगा और वो होगा गवर्नमेंट सेक्टर. ओके, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कंट्रोल करेगा हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम को और फर्म सेक्टर की इनकम को. और ये कंट्रोल कैसे करेगा कि एक तरफ तो ये टैक्स अप्लाई कर देगा दोनों सेक्टर्स के ऊपर और दूसरी तरफ ये उनको फैसिलिटीज या फिर इनके ऊपर कुछ खर्च करेगा. ओके, सो द गवर्नमेंट लेवाइज टैक्सेस ऑन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एंड परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड रिसीव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर. ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स सोशल ट्रांसफर सच एज पेंशन रिलीफ सब्सिडीज टू द हाउस होल्ड. ये आपको अभी नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर हो जाएगा. थ्री सेक्टर मॉडल में क्या आ गया, एक हाउस होल्ड सेक्टर था, एक फर्म का सेक्टर है और इसके बीच में इंटरमीडिएटर कौन हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर. ओके, अभी ये हमने जो पीछे टू सेक्टर मॉडल किया है इससे तो क्लियर ही हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर की कुछ जरूरतें थी और उन्होंने उसके पास जाके डिमांड की तो फर्म्स के पास इनकम जनरेट हो गई. उसी तरह फर्म्स को उन चीज़ों को बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे जिसके लिए उन्होंने पेमेंट की टू द हाउस होल्ड सेक्टर को. तो ये जब उन्होंने पेमेंट की फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को तो ये हाउस होल्ड सेक्टर की क्या बन गई, इनकम बन गई. ठीक है, ये तो टू सेक्टर मॉडल वाला सेम है. अब हम देखते हैं द कनेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर. पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का कनेक्शन देखते हैं. तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब इनकम आ गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया. ठीक है, इनकम टैक्स लगा दिया. अब हाउस होल्ड सेक्टर ने टैक्सेस पे कर दिए गवर्नमेंट को. अब गवर्नमेंट के पास इनकम आ गई. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हीं पैसों से उनको सोशल ट्रांसफर दे दी. मतलब गवर्नमेंट का क्या काम होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. तो सोशल ट्रांसफर्स क्या, उनके अंदर क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर ने जैसे जो टैक्सेस से कलेक्शन हुई थी उसको स्पेंड कर दिया एज अ सोशल ट्रांसफर. सोशल ट्रांसफर्स क्या है कि जैसे पेंशन दे दी उनको, ओल्ड एज पेंशन दे दी, या फिर डिसेबल्ड लोगों को पेंशन दे दी, या फिर कुछ सब्सिडीज दे दिए, कुछ रिलीफ फंड दे दिए. ये सारी आ जाती है सोशल ट्रांसफर्स के अंदर. तो ये न्यूट्रलाइज हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो टैक्सेस के रूप में जितनी इनकम जा रही थी गवर्नमेंट के पास, उन्होंने उस पहले वो टैक्सेस के रूप में इनकम ली और फिर उसी से उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी. ठीक है, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का और फर्म्स के सेक्टर के बीच का कनेक्शन. अब गवर्नमेंट ने फर्म्स के ऊपर भी टैक्स लगाया, फर्म्स ने उसको टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को. अब गवर्नमेंट ने जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करना है, जैसे स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए उसको प्रोडक्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी ना. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और वो प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, फर्म्स के सेक्टर से मिलेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने परचेजेस की फ्रॉम द फर्म सेक्टर. ओके, तो ये भी न्यूट्रलाइज हो गया कि जितने उसको टैक्सेस आ रहे थे उसी से उसमें उसको परचेज कर लिया. यहाँ से उसको इनकम हो रही थी, हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस के रूप में उसको इनकम हो रही थी गवर्नमेंट को, लेकिन स्पेंडिंग भी हो रही है फ्रॉम द सोशल ट्रांसफर. ओके, और सोशल ट्रांसफर्स के रूप में उसकी स्पेंडिंग हो रही है टू द हाउस होल्ड सेक्टर. और उसी तरह गवर्नमेंट की इनकम आ रही थी टैक्सेस से, और टैक्सेस के साथ उसकी जो स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट परचेजेस के रूप में. ओके, सो दिस इज द फ्लो ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग बिटवीन द थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब इसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या बन जाती है, अब नेशनल इनकम में कितने सेक्टर्स आ गए, थ्री सेक्टर्स आ गए,
एक कंजम्पशन का आ गया, एक इन्वेस्टमेंट आ गया और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है फर्म का सेक्टर और जी इज शोन बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब फोर सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट इन द रियल वर्ल्ड फोर सेक्टर मॉडल एग्जिस्ट। ओके, इस दुनिया में ना तो टू सेक्टर मॉडल अप्लाई होता है ना थ्री सेक्टर मॉडल अप्लाई होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा कर ले, उसको दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना ही पड़ता है। ओके, यू नो देयर इज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड बट अवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, तो उनको बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें चार सेक्टर आ जाते हैं इन एडिशन टू द हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स एंड गवर्नमेंट। फोर्थ सेक्टर इंक्लूडेड हो जाता है, वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर आ जाता है और इन रियल लाइफ फोर सेक्टर इकोनॉमी एग्जिस्ट। ओके, अब फोर सेक्टर में क्या है? एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, एक फर्म्स का हो गया, एक गवर्नमेंट हो गया और एक एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। एक्सटर्नल सेक्टर में अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कहें तो इसमें आ जाते हैं हमारे इंपोर्ट्स और हमारे एक्सपोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो पिक्चर है इसमें ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये थ्री सेक्टर मॉडल अभी हमने पीछे किया है, यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि एक हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फर्म्स के सेक्टर के बीच का कनेक्शन। इफ यू हैव अंडरस्टैंड द प्रीवियस स्लाइड देन इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का कनेक्शन भी हमने देख लिया और गवर्नमेंट और फर्म्स के सेक्टर का भी हमने कनेक्शन पीछे देख लिया, ये सारा पीछे वाली स्लाइड से मिलता है। अब इसमें एक और सेक्टर आ गया, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तो परचेजेस कर लेंगे फर्म से, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ और जरूरतें हो सकती हैं जो कि हमारी कंट्री में पूरी नहीं हो सकती, तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? इम्पोर्ट्स कर सकते हैं। ओके, हम दूसरी कंट्री से वो चीजें आयात कर लेंगे, खरीद लेंगे टू फुलफिल आवर डिमांड्स। ओके, और उसी तरह दूसरे देशों की कुछ जरूरतें ऐसी हो सकती हैं जो उनकी कंट्री में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कंट्री में वो अबंडेंस पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, या फिर हमारी वो एक्सपर्टीज में आ जाता है, स्पेशलिटी में आ जाता है, तो हम उनको क्या कर देंगे? उन चीजों का एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री में जैसे फ्यूल की शॉर्टेज है, ओके, पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो हम वो इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम यूएई या फिर रशिया से या फिर दूसरी कंट्री से, हम उसका इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, और जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री है, सपोज रशिया है, ओके, उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कमी है, तो वो हमसे क्या, तो हम उनको क्या कर देंगे? हम उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से जो फोर सेक्टर मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये चलता है कि इसमें इनकम और स्पेंडिंग जो है वो अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज के साथ भी होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या बन जाएगी फोर सेक्टर इकोनॉमी की, कि इसमें एक कंजम्पशन सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा? हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे निकालेंगे? जब हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे। ओके, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या है? वो हमारी इनकम है। जब हम दूसरे देशों को अपनी चीजें, प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमें इनकम मिलेगी,
वो हमारे लिए इनकम है, लेकिन जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे या आयात करेंगे दूसरी चीजों को, तो हमें उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट मींस कि हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, वो हमारी स्पेंडिंग बन गई। तो ये क्या है कि एक्सपोर्ट में से जो हमारी इनकम है उसमें से जब हम अपनी पेमेंट्स को, दैट मींस कि इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक दर्पण चैनल टू लर्न, प्रिपेयर एंड ग्रो। थैंक यू।